मैं आपकी होस्ट देखिए फिर से हाजिर हो चुकी हूँ इस वीडियो में। आज का घर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 150 गज का 4 बेडरूम हाउस। सो चलिए मैं सबसे पहले लोकेशन आपको बता दूं, सनी इनक्लेव का घर है दोस्तों 150 गज का। देखिए एलिवेशन कुछ इस तरह की है जो कि दिल खुश कर देगी आपका, बिकॉज बहुत ही ज्यादा प्यारी है लाइटनिंग के साथ। देखिए कितना प्यारा ये वर्क यहाँ पर आपको एलिवेशन में मिल रहा है। एंड देखिए कितना प्यारा वर्क है पिलर्स के ऊपर, देखिए कितने प्यारे ये यहाँ पे एंट्रेंस आपकी रहने वाली है। और साथ में ही है आयरन का गेट, काफी बड़ा सा हैवी सा गेट है। और देखिए पार्किंग तो बहुत अच्छी, देखिए एक कार तो आप अलग से रिजर्व अपनी यहाँ पर लगा सकते हैं, बाहर भी चाहे तो लगा सकते हैं पार्किंग। और देखिए यहाँ पर भी स्पेस है, और देखिए आउटर में ना स्पेस ही स्पेस है इस घर की। सो उसके बाद एक्सटीरियर के बाद बात करेंगे हमेशा की तरह एंट्रेंस की। तो देखिए मैं वीडियो जल्दी जल्दी बनाऊंगी, बिकॉज प्यारा सा घर है, मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो जाएं, तो क्विकली से वीडियो बनाएंगे। और ये देखिए ये है वायर मैश डोर, और एंटर करते ही हाँ मैं जानती हूँ आप देख रहे हो बहुत मिट्टी है, जैसे मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर हवा चल रही है बहुत ज्यादा। देखिए एंट्रेंस पे आप देखिए डोर है, मेन एंट्री डोर, और बिल्कुल एंटर करते ही आपकी लिविंग स्पेस यहाँ पर आएगी, लिविंग कम डाइनिंग स्पेस। तो ये यहाँ पे आपका लिविंग एरिया विंडो, देखिए एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दो विंडोज होगी। ऊपर आपको रूफ वर्क मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आप लगा सकते हैं अपना डाइनिंग टेबल, और ये है आपका LED पैनल, काफी खूबसूरत सा। और ओपन के कंसेप्ट में किचन रखिए, बिकॉज ये ट्रेंड के साथ जाना जरूरी होता है, बिकॉज ट्रेंडी है आजकल, ओपन का कंसेप्ट चल रहा है, तो व्हाई नॉट हम भी इस घर में ओपन किचन दें आपको। और किचन देखिए एल शेप में है, काफी वाइड है, और पूरी तरह फुल्ली मॉड्यूलर किचन यहाँ पर आपको मिल रही है देखिए। एंड हैंडललेस है, स्लाइडिंग रहेंगे, देखिए एक कंपार्टमेंट है ऊपर आपके स्टोरेज के लिए। एंड फिटिंग्स की बात करूँ, सारी फिटिंग्स हुई पड़ी है किचन में जो एक आपको जरूरत होती है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर इधर लगा सकते हैं आप। और बेडरूम्स में अब मैं आपको लेकर जाती हूँ, देखिए फर्स्ट बेडरूम है यहाँ पर, आइए। देखिए फर्स्ट बेडरूम की स्पेस तो यार बहुत अच्छी है, 150 गज के घर में खुले डुले बेडरूम चाहिए होते हैं हमें, तो वही चीज आपको यहाँ पर मिली। LED पैनल यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और इस साइड आपको मिल रहे हैं कबर्ड्स, आपके खूबसूरत से कबर्ड्स हैं, देखिए आपको सीलिंग हाइट है, काफी अच्छी स्टोरेज होने वाली है आपकी। और रूफ पे लाइट्स आपको मिल जाएंगी, और जो वॉशरूम है वो इस साइड अटैच रहेगा बेडरूम के साथ, और फुली ब्रांडेड सैनिटरी वेयर्स के साथ आपका रहेगा। टाइल वर्क ईच एंड एवरीथिंग आपको फिटिंग के साथ हम देंगे, ठीक है दोस्तों। और अब देखिए यूटिलिटी स्पेस जो कि इस रूम से आप एक्सेस कर सकते हैं, इस साइड है यूटिलिटी स्पेस आप, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकेंड बेडरूम है दोस्तों वो साथ में एडजॉइन है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और घर की सबसे अच्छी बात है कि दोनों ही बेडरूम से आप देखिए सामने एक्सेस कर सकते हैं यूटिलिटी स्पेस। तो बेडरूम का साइज जो है सेम रहेगा अच्छा खासा, और देखिए ऊपर रूफ पे वर्क इस तरह का कुछ हमने दिया है यहाँ पर, और इस साइड हमने दिए हैं स्लाइडिंग के कंसेप्ट में आपके लिए कबर्ड्स। ड्रेसिंग एरिया इस साइड रहेगा, एंड LED पैनल रहेगा आपका इस साइड, और वॉशरूम अटैच है इस साइड आपके लिए। अगेन ब्रांडेड फिटिंग्स ईच एंड एवरीथिंग आपके वॉशरूम में हम आपको लगा कर देंगे पोजेशन के साथ। और देखिए विंडो बिल्कुल, देखिए डोर है यहाँ पर विंडो के साथ, आप एक्सेस कर सकते हैं यूटिलिटी स्पेस। तो कुछ इस तरह का है ग्राउंड फ्लोर का लेआउट इस कोठी का दोस्तों। डबल स्टोरी हाउस है, 4 BHK है, तो जो 2 बेडरूम है वो ऊपर है। चलिए फर्स्ट फ्लोर के लेआउट में आपको दिखाती हूँ। सो ऊपर जाने से पहले देखिए ये स्टेयर्स हैं, बिल्कुल ही सेपरेट से हमने बनाई है, नीचे स्टोरेज आपकी बनाई है मिसलेनियस आइटम्स के लिए। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं आप। तो देखिए गाइस ये बालकनी यहाँ पे शुरू हो जाती है आपकी, काफी देखिए ओपन की कंसेप्ट में रखी है सिटिंग के लिए, इसमें बैठने का रैंप सा बनाया हमने। तो कभी कभार ये बड़ी रेयर चीज है, देखिए रैप बैठ भी सकते हैं आप यहाँ पर बालकनी में। तो यहाँ पर है आपकी एंट्रेंस, फर्स्ट फ्लोर की वायर मैश डोर है दोस्तों, प्रीमियम क्वालिटी का है वुडन का डोर। और जो फर्स्ट बेडरूम है इस फ्लोर का वो इस साइड है। देखिए गाइस स्पेस अच्छी है, गेस्ट रूम के रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे, LED पैनल दिया है यहाँ पर हमने, साथ में ही विंडो है बड़ी सी, ठीक है। ऊपर रूफ वर्क भी मिलेगा आपको, और कबर्ड्स हैं इंक्लूड बेडरूम में आपके लिए, ड्रेसिंग एरिया भी आपके लिए रहेगा। हो गया ना आपका दिल खुश,
तो चलिए अभी लिविंग एरिया की बात करते हैं। देखिए ये लिविंग स्पेस है आपके लिए, और आपको लाउंज, फैमिली लाउंज एरिया बोल सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छी खासी रूफ वर्क है, लाइटनिंग है, एंड जो किचन है यहाँ पर भी ओपन के कंसेप्ट में है, तो चाहे तो रेंट आउट भी कर सकते हैं, चाहे तो सेकंड जो आपके डबल फैमिलीज होते हैं उसके साथ आप यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ बेडरूम है वो इस साइड है दोस्तों, किचन के साथ हमने दिया है। स्पेस में बेडरूम्स में कोई भी कमी नजर नहीं आएगी आपको, ऊपर से डिजाइनिंग पूरी दी है। रूफ की बात करूँ, कबर्ड्स की मैं बात करूँ, ठीक है, ड्रेसिंग एरिया की बात करूँ, ऊपर देखिए एलईडी पैनल भी सेम ही कॉन्ट्रास्टिंग हमने दी है कि अगर आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहें तो आपको दिक्कत ना हो। विंडो इस साइड है देखिए, अटैच वॉशरूम इस साइड है, और ब्रांडेड फिटिंग के साथ रहेगा, मैं फिर से बता दूं आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज है जो कि है, हमने पाउडर रूम आपको दिया है, बिल्कुल सेपरेट दिया है, सो दैट यहाँ पर आपको कन्वीनियंट रहे, बिकॉज कोई प्राइवेसी आपके डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, आप कॉमनली भी यूज कर सकें, आपके गेस्ट हो वो भी यूज कर सकें। तो ये चीजें जरूरी होती हैं, कई बार जब हम डेली में रूटीन में यहाँ पर अपने लाइफ यहाँ पर शुरू करते हैं न्यू घर में, तो हमें बड़ी चीजें कन्वीनियंटली चाहिए होती हैं, ठीक है। ये आपका टेरेस आ गया, एंड ठीक है, एक तो ये स्पेस है आपके लिए दोस्तों। यहाँ पे हमें वाटर का प्रोविजन दिया है, बिकॉज हमें पता है कि हमें बहुत काम होते हैं घर में पानी के रिलेटेड, तो हमें टैप की फैसिलिटी आपको पहले से दी। और टेरेस देखिए, ऊपर टेरेस है आपके, जो वाटर टैंक्स एंड ऑल आपका ऊपर है, जो भी काम करना चाहे, स्टेयर्स आपको मिली है आयरन की, ठीक है, तो आप टेरेस पे भी जा सकते हैं। यस गाइस, कैसा लगा ये घर? 150 गज का 4-बेडरूम हाउस है ये, और इसकी डिटेलिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप हमें कभी भी। तो ठीक है, मैं चलती हूँ दोस्तों, फिर से आऊंगी एक और नए घर को दिखाऊंगी मैं आपको, टूर करवाऊंगी बहुत जल्द। तो अपना ख्याल रखिएगा तब तक के लिए, सो टेक केयर योरसेल्फ गाइस, सी यू सून, नमस्कार।